नमस्कार। अपने राज का खुशखबरी सुनाओ। राज के खुशखबरी सब ठीक हुआ, कोनो बात के परेशानी लिखे। लेकिन एक बात की चोट मेरे दिल के अंदर है, जब से शिवलीगढ़ का प्रताप सिंह बांध संबंधी का डोला लेकर के गया, तब से मेरे दिल में अग्नि का ज्वाला धधक रहा है कि मैं कैसे बता लूं। अगर कोई उपाय तुम्हारे पास हो तो तुम बता सकते हो। देखी हमारा अगर कोई उपाय बना, ऐसे कि पहले तरी बुद्धि में काम कर रहा हूँ, अब तरी बुद्धि हमारे फैली आ गई। ये उपाय पूछे को लेकर उत्तम बाबू से पूछी। जाओ उत्तम बाबू को बुला कर के लाओ। ए उत्तम बाबू हाजिर हो। अरे क्या बात है। अरे महाराज आपको याद किए हैं। या भैया हमको याद किए हैं। अच्छा ठीक है महाराज। अरे कवनी करनवाए भैया हम के बलावा नमस्कार। क्या बात है आप हमको याद किए हैं। याद करने का कारण यह है कि जब से शिवलीगढ़ का प्रताप सिंह बाहन समंती का डोला लेकर के गया, तब से मेरे दिल में अग्नि का ज्वाला धधक रहा है कि मैं कैसे बदला लूं। अगर कोई उपाय तुम्हारे पास हो तो तुम बता सकते हो। ये तो बात आप सही कहते हैं भैया। जब से हमारे बाहन समंती का डोला राजा प्रताप सिंह लेकर के शिवलीगढ़ गया है, तब से हमारे दिल में अग्नि का ज्वाला धधक रहा है कि सलार राजा प्रताप सिंह से हम कैसे बदला लें। लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अगर आपको उपाय सूझना हो तो भाभी को बुलाइए, वही आपको उपाय बताएगी। ठीक है आवाज लगाओ। सिपाही हाँ जल्दी भाभी को बुलाओ। Get it!
जी कहे खेती बुलेनी हमके बुलाने का कारण यह है कि जब से सिवलीगढ़ का प्रताप सिंह बांध समंती का डोला लेकर के गया तब से मेरे दिल में अग्नि का ज्वाला धधक रहा है कि मैं कैसे बदला लूं। अगर कोई उपाय तुम्हारे पास हो तो तुम बता सकती हो। महाराज एक ना टेंशन लेने का फोन काम बा, एक वो काम करी अपना छोट बाबू तिनकी झूठी शादी रचा दी अधूबो चिट्ठी लिखवा दी एगो जीजा जी खती आए बहन सेवंती खती एजाइले के बाद आगे की व्यवस्था हम बता दी महाराज। ठीक है जाओ आराम करो। ठीक है महाराज। छोटे बोलिए भैया एक काम करो अपना शादी का दिन रचा दो। अच्छा उसमें झूठी न्योता शिवलीगढ़ में भेजा दो और उसमें लिख देना कि 14-12 को शादी पड़ा हुआ है। अच्छा। न्योता और साथ ही साथ बुलाहट दे रहा हूँ जल्द से जल्द चले आ। ठीक है भैया आप जाइए राजमहल में आराम कीजिए मैं कार्य सिपाही से करवा रहा हूँ। सिपाही चले जाओ राजमहल में। हाँ हाँ वहाँ से जा करके कॉपी और कलम लेकर आओ जल्दी। अच्छा अच्छा जल्दी लेकर आओ। लिया गया बनी लाया। हाँ हाँ सुनो हम जो जो बोलेंगे तुमको वही वही लिखना है। जगह जगह बोलो वही लिखे करो भाव। चलो अरे सुनो बता सुनो बोए धावन हो हमारी हो लिख लेना। हाँ बोलिए। क्यूतिम भैया का विवाह 14-12 को पड़ा है उसमें लिख लेना और एक पत्र लेकर चले जाओ शिवलीगढ़। अच्छा तो एक पत्र लेकर जाए भाई हमारा वही जाए। हाँ एक पत्र लेकर चले जाओ शिवलीगढ़ एक पत्र हमारी बहन सवंती को देना और एक पत्र राजा प्रताप सिंह को दे देना।
और पत्र देते समय उन लोगों से कहना कि उत्तम भैया का ब्याह पड़ा है, आप लोग जल्द से जल्द आने का कष्ट कीजिएगा। एगो काम करिए, जैसे रास्ता वाला हमारा का खर्चा दे दी, हम खाती है चल जाएंगे। खर्चा तो भाई देना पड़ेगा। हाँ, कितना खर्चा चाहिए बोलो? ढेर का दे ना, ढेर तो 70-80 हजार रुपये दे दी। अरे बेहूदा, कभी तुम 70-80 हजार रुपया देखा है? 70-80 हजार देख ले फिर में बनी। 1 लाख भूया गिर जाए तो हम लाजे ना उठा लेके लोग का को बताइए। 1 लाख गिर जाता है तो नहीं उठाता है क्योंकि लोग क्या कहेगा, हमसे मांग रहा है 70-80 हजार। अरे जो तुम्हारा गिर जाता है उसी से अपना काम चला रहा हूँ। ये बात ना, खर्चा दे दी हम चल जाये, आप मान ली की कोई एने से जाए या रास्ता में हमारा भूख प्यास लागे, कोई गाड़िए धरे खोखे, तो हम केकर से मांगे जाए? हाँ, ये बात तो तुम सही बोला है। अच्छा एक काम करो, ये रास्ता पकड़ के चले जाओ, समझा? यज्ञ करता मालिक जी का घर होगा, उनसे तुम खर्चा मांग लेना और लेकर चले जाना सिवली घर। दादा हो दादा, अभी मालिक काज में कहने वाले कहने ना अभी। अरे हम सोचिए कि आज बड़ी कि चली भाई उतना दूर से आ तनी 10 रुपया हमरो भेटाई, लेकिन अभी मालिक लोगनी ना, लेकिन रोगा तो मालिक हो यार, रोगा कम से कम दी। अच्छा ठीक है, देखते हैं पॉकेट से निकल जाएगा। लो, हमारे पास 1 रुपया नहीं है, सारा पैसा हमारा तिजोरी में पड़ा है। हम जानो था, एक काम करो उसी पर लिख लो और चले जाओ सिवलीगढ़, तुमको वहां से खर्चा पानी सारा मिल जाएगा। हम जानो था घाट में के भाई भाई रुको। हाँ, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है जाओ। जो अरे का कहत रहो, कोई आदमी के इज्जत केतनो लियो जे तो कोई बात नहीं। अब चल तन हम सिवलीगढ़ रात आज लेटर पहुंचाई और बाद से हम आई। अरे चलो पाने पानी राज जब मैं आता हूं तो दरबार का पता नहीं लगता कि है कहां।
आज के ये बगला हा सिली गड़ा हन ये दादा ए बंगला तो बड़ा निमन बनल था आ सब नया बनल में देखत नहीं के पोए पर भाई सब स्प्रिंग पर भाई अगर अगर बोले तो बुढ़िया या नहीं आ जा ती ये जाई ना रुकी मारो धाम पर पहुंच जाए अगर हम तीन को खूबी में ऐसे ऐसे मकान में अगर साजा ताना जाए सुपर चौपट कर चाली पर लादा जाए बंगाला आइए ये बैठे नहीं तुम खलू रहे उसके बाद आइए अगर ढंग से वो सब वो है लागे शीतलोहरी आ जा तो भाई हो ये मैं समास ना मिली होदर होदर चुगे ना कमा ना ना महाराज के बंगला हनू हम कमांडर बानी अच्छा अच्छा नमस्कार नमस्कार कहाँ से आए हो चिन्हत नहीं थी नहीं तरीका कहाँ से रवा चखला हो नहीं नहीं हम घाटमपुर से आए क्या घाटमपुर से घाटमपुर से आए हाँ चाचा और देश राज्य से नवता को लेकर के आए हो उसी रास्ते से निकल जाओ देखी ये हमारे वाई लगोई तो हमारे कोमवे बा अरे जी हजूरी बजावे को वो ने सहे ने ने सबों ने हाई ने तवा ले लिया पोन आओ फिर बस हमारे कन खर्चा बंदे दी हम चल जाते हैं नहीं होता तुम्हें खर्चा पानी चाहिए खर्चा पानी चाहिए ना जाकर अपने महाराज से बोल देना कि रजत प्रताप सिंह ने उता को फाड़ कर फेंक दिए हैं और तुम्हारे घाटा पुराने भाई मार दिए हैं जाओ ये मान अरे रोग जाइए चाहे मौत जाइए ओकर बात रोके हमरा अरे जा तो वो ठीक बा ना जा तो वो ठीक बा हई ने तो वो काहे फाड़ कर फेंक बता दो तुझे बता दूं कि मैं उता किस लिए मैं फाड़ कर फेंका हूं तो बात नहीं होता ताज में तेरा गर्दन काट कर तहर में डलवा दिया होता लेकिन सुख में आग तो वहां का द्वारपाल है और द्वारपाल को दंड देना उचित नहीं है जानकारी के जैसे राउंड द्वारपाल वैसे मुंह के द्वारपाल है हां 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 लेकिन एको काम खर्चा दे दी चल जाइए खर्चा चाहिए हां हां ठीक है आगे बढ़ो नगदी चल दे दे हाथ पर उठा लो नगदी दे दे के हम चल जाइए नगदी चाहिए ना नहीं नहीं नगदी नगदी पैसा चाहिए खर्चा ठीक है हर जाओ और ये खर्चा लो साला खर्चा मांग रहा है आओ खर्चा चाहिए अगर दोबारा सिलीगढ़ में आने का कोशिश किया तो सलाम है तुम्हारा गर्दन काट के तहर में डलवा दूंगा जाओ आऊंगा आऊंगा इधर आओ इधर आओ सलाम सलाम इधर चलो अरे तुझे खर्चा पानी चाहिए ना वो तो खुजरा था तुझा और सूचना दे देना तेरे महाराज से कि जो मर्जी हो मेरे साथ कर लेगा लेकिन मैं घाटापुर कभी नहीं जाऊंगा जाओ जाओ हाँ जाओ जाओ तो यहाँ क्या करेगा जाओ जाओ नहीं नहीं कोई बात नहीं है जाओ 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 जाएगा भेज दू
जाएगा तो सलाह आज नेवता लेकर के आया है। और यही तो बात है, जब मैं घाटमपुर में शादी करने गया था, सातों भाई का कब्र अगर मैं प्रताप सिंह रातों रात मेरे भान के गुप्तर का पैर लेता नहीं दिया तो भारत भारतिया के साथ काट के छोड़ में जा सकता। आज मैं जाऊंगा घाटमपुर, घाटम सिंह मैं तुम्हें मेरा पैर भी नहीं जाएगा घाटमपुर में, अब मैं चलता हूं अपने कचहरी पे। ना मंजूर कर रहा हूँ, अब चल तनी अंदर, अब लुका के आई चिट्ठी दे बहन में, अरे ये बहन अब ले सम्मान चले तो चिट्ठी, लेकिन जहाँ देवे बता तो देवे करो हम। दासी सलाम महारानी, खुश रहा दासी, आज बड़ी खुशी की बात बा हो। क्या खुशी की बात बा? हाँ, आज देखा अपना घर कोई आवे ला बाटे, चला तू गेट पर पहरा करा, जे भी आदमी आई ओकरे के आदर के साथ बुला के लइया। बाजी बाजी बहुत बड़ा पहलवान बोले बड़े सब पूछ तही कहते होम बाज के बाजे का हो देखो माख मार तुम का तू ही देखो तरो एने तो नहीं हमारा खियत पर के हां ए तू के हो तू के हवा पहले तू बता बन हम राज की दासी है। अच्छा दासी? हां चलो ना होने दासी जा। अच्छा तो तू दासी हो? तू कहाँ से आई बड़ा? हम घाटमपुर से आए बड़ी। कहाँ घाटमपुर के? तू हो दासी तो हम घाटमपुर के हई दासा। हम है ये राज के लौड़ी। अच्छा चलो ना हम हो कबीरा से आई बड़ा तू? घाटमपुर से। कहाँ राज के? हाँ लौड़ा है। ऊ का होला हो? और लौड़ी का होला? घर में चौका ठार करे वाली। घर में तू चौका ठार करे लू? हाँ। आ हम एने के बात ओने ओने के बात महाराज के लगे हम करत रही। लौड़ी का तेरा का कहल जला? ओई के लौड़ा कहल जला। ओके कहल जला धावन। हाँ 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 देखा होशियार दिया के मेरा रू होशियार दिया का जब हमरे का पहुंचे दिमाग का काम ना करेला। ए कहाँ आई बड़ा? तनी जा महारान साहिबानी। हाँ बानी कोई देखे घाटमपुर से के हुआ इनका तो ठीक बात तुम्हें यही जग रहा। हाँ यही जबान महारानी। हाँ दासी घाटमपुर से सिपाही आई बड़ा। का सिपाही आई बड़ा? हाँ महारानी उनकी आदर के साथ मुलाक के लिया। ए सिपाही चला अंदर ले जे मोहन दौरा वही जे बना दे हमरे का बंद हो। अच्छा तो चल हाँ।
घाटमपुर घर है। अच्छा हम आयल बनी आज रघुआ भाई के ब्याह पर होगा काम भैया के ब्याह पर होगा ये हम तो देखा था कि देख अगर देखा था नहीं तो खर्चू ना मिली सिपाही एक काम बा हाई नेता ले ली अरे वो सबके बुलाहट बा दोनों आदमी के सिपाही हाँ ये पत्र जगह महाराज के बांग्ला पर पहले दिया बा अरे वो जब दे देने वाली अब रोगवा के देवे खबा ऐसे के दोनों आदमी के चिट्ठी आई रहा सिपाही हाँ तने पत्र पढ़ के सुनावा हमरा के लो ना सब लोग जाने ना कि हम एमएम को के तो बीएफए में नाम लिखो हाँ आ पढ़वा ना सकी अरे पढ़ के सुनावा ना तू देखी ना असली बात वा के हमारा दिनवा में कम लोग ला रोती है के ढेर लोग ला अच्छा पढ़ ले तन सोचते श्री पत्र लिखा घाटम पूछे घाटम सिंह महाराज के तरफ से बमनी सेवंती को शुभ प्यार हो विशेष समाचार यह है कि ये हमारे छोटे भाई उतिन का शादी दिनांक 14/12/2017 दिन बुधवार को तय किया गया है उसमें आने का दोनों आदमी कष्ट करेंगे शीघ्र ही आप आवे और बरात का शोभा बढ़ावे खरवास में शादी तय भइल बा अरे दादा खरवास के बाद बड़ा झटका है तोई हो गई हो अच्छा आई तोई भइल हो हमरा बुझा था कि कुशवाहा लगन में तोई होता है अरे कुशवाहा हो बका अजान तन ये गोरी बात है हां बोलो राहुल भौजी लो छौ जानी का कहल हो लो का कहल हो कि ए सिपाही जाके कह दियो कि हम अपना ननद खाती एक से एकाल पीछू कर होले बानी अच्छा पायल कर होले बानी हाय पैजबी कर होले बानी हाय आई पहुंची कर होले बानी नाक में के नथुनी कर होले बानी आ कान में के कानवाली सोने के कर होले बानी मन टीका कर होले बानी आ तीन थान बिखोगु एक जन कहतर के होम कर होले बानी सिपाही आ हो ई तीन थान बिखो का होला हो तीन थान बिखो नहीं बुझो हम तो आज तक ले नहीं की सुनले पेट गहना बुझी ली दासी सिपाही के लिए खाना खियावा और आदर के साथ विदाई करा का सिपाही के खाना खिया दी हाँ ए सिपाही खा के दाई लोग बा ये कहना भरोसा यावी कि हम बनी नौकर आई वो नौकरानी हुई तो हमने के दोनों जने के काम फरी आ जाए ए सिपाही तो बैठा खा ला बैठो खा लो हाँ अब ये जा खाई के कोई जने लोरिया जाए है हाँ तो ये जा खाई बा बात तो रिका ये जा काका बड़े देखा होते वो अब पहुंचे नहीं है पोट दे खाई बा हाँ खाई बात तो खा लो हाँ अन्नत जा एक काम करो चलो आपने घोर कर खिया हो ए जे खाई बात तो खा न तो जा ना तो हम खाए ना हम जब खोई बने तो जा दासी हमारा नहीं अरे जाई बूता जाई बुए दासी अरे राजा को चाहिए अरे दासी जाई बूता Thank you.
दासी, दासी, बड़ा महाराज खुश रहो। क्या बात है, कितनी रात को मुझे याद की है? महाराज बोलो। महारानी के बुलाहट में चली आती। क्या महारानी बुला रही है? हाँ महाराज। ठीक है आओ। समाचार सब ठीक है, लेकिन इतनी रात को क्यों बुलाई है? क्या बात है महाराज? बोलो। रहुआ मालूम नहीं किए? मुझे कुछ मालूम नहीं है महाराज। खाता पूछे चिट्ठी आई बा। क्या? हमरा छुटका भैया की शादी पड़ल बा 15 तारीख के महाराज। अच्छा अच्छा, कहना क्या चाहते हो महाराज? हमने की चली की बेटी उस शादी में। क्या जरूरी है? देखिए महाराज, सात भाई के बीच में एक हम बनी हमर गई जरूरी नहीं खे। महारानी उस दिन को भूल गई है, जिस दिन मैं तुमसे शादी करने गया था। तुम्हारा सातों भाई घाटा बुरा कि 50 दिन रातों रात मेरे बहन के गोद में लड़का पैदा नहीं लिया, तो सारे बल्तिया के काम के तरह में डलवा दूंगा। क्या उस दिन को भूल गई है और फिर घाटमपुर जाने के लिए व्यवस्था कर रही है? महारानी। हाँ महाराज। अगर जाना चाहती हो तो अपने द्वारपाल को बुला लो और लेकर उसे चले जाओ घाटमपुर। मैं घाटमपुर जाने से इनकार करता हूँ। महाराज बोलो। देखी जब तक ले रहा ना जाए तब तक ले हम कैसे जा सकते नहीं महाराज? महारानी मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं घाटमपुर जाऊं, इसलिए कि तुम्हारे घाटमपुर में धोखा का मार होता है। छतरी उसे कहते हैं कि जो आगे सवार करे, लेकिन तुम्हारा सातों भाई घाटम घाटम नहीं, वो लोग खटिया है, वो लोग पीछे सवार करता है महारानी, इसलिए घाटमपुर जाने से मैं इनकार करता हूं। महाराज ऐसे नहीं कि हमारे भैया इतना कायल बैठे लो रुवा संग कुछ कर सके लो महाराज, ये फिर हम मत रही रुवा संग कुछ ना करे लो। महारानी मैं तुझे एक बार नहीं 100 बार बोल रहा हूँ कि मैं घाटमपुर नहीं जाऊंगा, तो घाटमपुर नहीं जाऊंगा। अरे चाली तो चाली सामी, अरे मोरा नई हरवर सामी, चाली तो चाली सामी, मोरा नई हरवर सामी, चल सामी तारे ससुरार
पर पाल को और जोबरे राज में झिझरी खोल जाओ उसे मनाओ सिपाही सिपाही जान झिझरी खोल बानो बारी जल्दी खोल के लेके आवा महारानी हाँ महाराज जानती हो कि मैं झिझरी को किस लिए बुलाया हूँ नहीं तुम राई नहीं है चला बतरू अभी तो भीड़ हमारे रोकबू ना इसके साथ छेड़खानी मत करो नहीं ये लुटा करके फुरा लगाई है जानते हो अगर ज्यादा उसे प्रदान करके तो ये काट भी लेगी तुझे उसे प्रधान मत करो उसे प्रधान मत करो अगर ज्यादा प्रधान करोगे ते जात जानते हो पुलिस के आगे और घोड़ा के पीछे नहीं जाया जाता है इसलिए अगर पुलिस के आगे जाओगे तो पकड़े जाओगे अगर घोड़ा के पीछे जाओगे तो लात खाओगे हाँ हाँ जी जी आगे बढ़ो झिझरी इधर आओ ये बताओ कि घाटमपुर जाने के लिए यात्रा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है क्या यात्रा नहीं बढ़ रहा है महारानी हाँ महाराज घाटमपुर जाने के लिए यात्रा नहीं बढ़ रहा है महारानी महाराज एक बार और पूछिए झिझरी क्या है महाराज ये बताओ कि घाटमपुर जाने के लिए यात्रा बन रहा है कि नहीं बन रहा है महाराज घाटमपुर जाने के लिए यात्रा नहीं बन रहा है लेकिन एक काम कीजिए महाराज घाटमपुर अगर जाना है तो मुझे भी साथ ले करके चलिए जैसा होगा वैसा मैं देख महारानी हाँ महाराज झिझरी गोली बोल रही है कि महाराज आप अगर घाटमपुर जाना चाहते हैं तो मुझे साथ में लेकर के चलिए जो होगा मैं देख लूंगी ठीक है महाराज साथ ही लेकर चलिए झिझरी अब तो हम लोग यहां पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं लेकिन दासी दासी हाँ महाराज तुम और दरबार दो ही आदमी इस राज में बचे हो और जब तक मैं घाटमपुर से लौट कर नहीं आ जाऊं इस राज का देखभाल तुम दोनों को करना है महाराज इतना के लेके जाएं क्यों एक संग हम ना रहे क्यों नहीं रहेगी बड़ी छू ना रहा क्या कुछ बोलता है अब देखे का बोलेला अच्छा तो रोवो जान तरी का छू छू ना रहा नहीं तो अच्छा आदमी है हम भारी भरकम आदमी हो हमारा बारे में 10 गांव के लोग जाने ला अगर जेकरा दुआर पर चल जाएगी तो खटिया वोटर खो देला ऐसे के हमारा बारे में सब लोग जानता दरबार देखो अब हम जा रहे हैं घाटमपुर इसलिए कि वहां हमारे साला का शादी पड़ा है नौता आया है खाली जा के होटी के तो हमने हमार देखी कमा दरबार ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुझे इसलिए कि मेरे राज का दरबार हो तू और राज का देखभाल तो नहीं करना है का को करिए यो अंदर के देखियो बाहर के देखो हां बहुत अच्छा अंदर का जो भी होगा वो देखेगी और बाहर का जितना भी काज है जना मजूरा जो भी काम कराना है तुझे कराना होगा हां कब समय मिली तो अंदर हम चले नहीं नहीं अंदर नहीं तुझे जाना है अच्छा नहीं अंदर नहीं जाना है अगर कोई सामान घोटी तो नहीं दे सको
दरवाजे पे जाकर के दे देना, अंदर नहीं जाना है। लौड़ी इसे लेकर के चले जाओ अपने राज में, ठीक है? महारानी हाँ महाराज चला जाए। हाँ चली झिझली, एक से एक रुपए का पुरस्कार मिला है हमारे जगकर्ता मालिक की तरफ से। चलिए हमारे तरफ से नमस्कार है और पार्टी से हार्दिक स्वागत है। आए पहला तो के गवाह हो प्याही, अरे हम जाने के लिए बेबस कर रही हो ब्याही, लेकिन एक बात कर करो तू लेना चाहिए यहां न जाने के पहले मेरे मां का संदूर तोड़ेगा, इसलिए कि यहां न जाने के पहले मेरा आंगन फट रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं घाटापुर जाऊं। ब्याही इससे बेहतर होगा कि यहां न जाने के पहले मेरे मां का संदूर तोड़ देना। ब्याही सामी इन वक्त कहता नहीं शुभ के काम में या शुभ वाला बात कैसे कहता नहीं स्वामी नाम क्या ही मुझे बेबस कर रही है तो चलो मैं चलने के लिए तैयार हूं। चल स्वामी अरे चलबू तो चलबू ये रोनिया अरे घाटमपुर नगरिया घाटमपुर नगरिया ये रोनिया घाटमपुर नगरिया We'll be right back.
14 को सुई तुझे दिलवाऊंगा किस लिए? अरे दादा हो आइए जल्दी बीमारी हमें ठीक होकर देखी रखे तो इसके साथ जब छेड़खानी करोगे तो काटेगी नहीं। मैं तुझे पहले बोल चुका हूँ इसके साथ छेड़खानी मत करो ये काट लेगी। अरे दादा बड़ा दर्द कटा ही हाँ वही तो घोड़ी होगी जब तुम इसे नहीं खिलाओगे पिलाओगे तो ये मानेगी? ये सब जानवर है इसे जब खिलाओगे पिलाओगे तब तुझे मानेगी। हाँ अच्छा चलो चलो ये घोड़ी चलो खिलाओ तनी मुर्गा के गोड़ी मुर्गा के गोड़ी खाती है एक सिर्फ चाना खाती है और चोकर खाती है। आए बा चाना तो हमारा खियावल माना बा आरे चलो पुत्ता चलो बुए रानी हो अरे घाटो Thank you.
दरबार। इसके बाद तुम्हें नहीं चढ़ना है, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, मुझे नहीं चढ़ना है। अब जिजरी तुम उस साइड में रहो, अब यहाँ हम लोग चलेंगे दरबार। महारानी देखो जितनी बेहोश हो गई है, अरे कर दे दिया, अरे कर दे दिया, अरे कहीं में एक पीतल भी होता। मैं उसी समय से तुझे मना कर रहा हूं, काशी काशी इसे लेकर के यहां से जाओ। महारानी चलिए, बहुत लेट हो गया है, ठीक बस स्वामी, हो सकता है कि हम लोग के जाने से पहले कहीं बारात महाराज साथ देंगे, तो जाने में हम लोग के जाने के बाद फिर क्या होगा। हाँ स्वामी, अब हम तो ये कहते हैं जल्दी चल चलो। झिझरी अब यहाँ से फटक चलना है हम लोग घाट पर, ठीक है, और सुबह शाम उससे बात भी करना है। चलबू तो चलबू